आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत? ये जंगल में घर बनवाने के लिए किसने बोला था? जंगल में घर थोड़ी बनवाए, शहर के बीचों बीच जंगल बनवाए। ये अब आपके दोस्तों के बीच कोई रैंडम कॉन्वर्सेशन नहीं रह गई है, क्योंकि इस वक्त हम हैं एक ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर जो कि शहर के बीचों बीच तो है ही, बट साथ ही लश ग्रीन जंगलों से भी सराउंडेड है। हेलो एंड वेलकम टू योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट, द नेस्ट स्टोरी। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह, और आज हम हैं शहर के बीचों बीच लश ग्रीनरी से सराउंडेड एक प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम है गोदरेज वुड्स। अब प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले यहाँ के डेवलपर्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी आर्म है रोजबेरी एलएलपी, और रोजबेरी एस्टेट एलएलपी के जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स हैं इस वक्त दे आर गीतिका त्रिहान एंड अमित वालिया, एंड आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब एट मेकिंग दिस एंटायर प्रोजेक्ट अ ह्यूज लैंडमार्क फॉर नोएडा। गोदरेज वुड्स जंगलों के बीच में तो बन रही है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप शहर से बहुत दूर हो जाएंगे। सेक्टर 43 नोएडा की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, जहाँ से आपके आसपास की हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ से आपका महामाया फ्लाईओवर, डीएनडी फ्लाईओवर, हर एक चीज़ आपको बहुत ही पास मिल जाती है। अगर मैं लैंडमार्क्स की बात करूँ तो वर्ल्ड ट्रेड टावर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4.4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.8 किलोमीटर्स, एंड यहाँ से स्कूल्स का भी डिस्टेंस बहुत ही क्लोज है। अपीजे स्कूल यहाँ पर बहुत ही पास आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के अंदर ही मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फिल्म सिटी को भी एक्सप्लोर करना है, आपका फिल्म सिटी में कोई काम पड़ता है, आपका आना जाना है, तो दैट सेक्टर 16 इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू दिस लोकेशन। अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स के अंदर ही आपको फिल्म सिटी का भी डिस्टेंस मिल जाएगा। सेक्टर 18 यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ही है, और इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ वेंचर्स फॉर योर लेजर एंड फन एक्टिविटीज़। आपको सेक्टर 18 का पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज करने को मिल जाता है विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स ओनली। बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन एंड गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन आर अप्रॉक्सीमेटली एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। 11 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर कम्प्लीट 10 टावर्स हैं गोदरेज वुड्स के अंदर। नोएडा के सेक्टर 43 में बन रहा है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। लश ग्रीनरी से सराउंडेड है, अप्रॉक्सीमेटली 600 ट्रीज यहाँ पर आसपास होंगे आपकी सोसाइटी के, और अप्रॉक्सीमेटली 1 एकर्स का ग्रीन एरिया होगा आपके सेंट्रल लोकेशन पर। आपकी जो टावर्स की जो पूरी सेंट्रल लोकेशन है वो कवर्ड होगी लश ग्रीनरी से। वो सेक्शन भी हमने वीडियो की शुरुआत में ही कवर किया था, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर फॉरेस्ट, योर ओन प्राइवेट फॉरेस्ट अमिडस्ट द सिटी। सेक्टर 43 से हर चीज़ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, सो दिस प्रोजेक्ट कम्स अक्रॉस एज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द पीपल जिनको नोएडा के काफ़ी सेंट्रल पार्ट में कोई घर चाहिए था। हाय गाइस, इस वक्त हम खड़े हैं आपके सैम्पल अपार्टमेंट के जस्ट बाहर, और ये आपका सैम्पल अपार्टमेंट है 3 BHK का विद अ सुपर एरिया ऑफ 2088 स्क्वायर फीट। कम ऑन, लेट्स शो यू इनसाइड, एंड डोंट फॉरगेट दिस। Now this is the foyer area of your sample apartment, which is a 3 BHK unit, and this is your dining space. As you can see, यहाँ पर आप 6 to 8 seater dining table of course install कर सकते हैं with a beautiful chandelier work, and still there's a lot of space inside this, you know, area. And here could be your, you know, storage. आप एक यहाँ पर install कर सकते हैं, और as this whole, you know, space kind of accentuates the look of your entire house. This is the entrance, and ये design आप अपने लिए customize कर सकते हैं, but this could also, you know, be converted into a bar counter for the people who want it as such. And now we move on to your living space, which is so boho, so chic, and काफ़ी elegant design है यहाँ पर जो मुझे लगा इस sample के अंदर. The artwork here, the, you know, the whole vibe of this place is pretty soothing, it's pretty natural, and ventilation ka khas dhyan rakha gaya hai yahan par. As you can see, the balcony attached here is pretty wide and offers a lot of ample sunlight, ample ventilation will be given here via this running balcony which runs throughout the house, jisko hum aage chal kar ke cover karne wale hain bahut hi acche se. And this is your entire living area, this is how it looks like. And now we move to your first bedroom, which could also be classified as your guest bedroom.
जिसके अंदर एक और अटैच्ड बालकनी है जो कि सेपरेट है आपकी घर की रनिंग बालकनी से. सो ये एक सेपरेट स्पेस है जो कि आप अपने आने वाले गेस्ट के लिए अलॉट कर सकते हैं. हियर इज एन अटैच्ड वॉशरूम विच इज़ ऑफ कोर्स विद ऑल द यू नो ग्लास फिटिंग्स एंड ग्लास पार्टीशंस आपको बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं यहाँ पे. एंड दिस इज़ द इंटायर स्पेस ऑफ योर गेस्ट बेडरूम जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है मुझे तो. एंड यहाँ पर आप अपनी टीवी का पूरा सेटलमेंट कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर स्टिल सम स्पेसेस लेफ्ट फॉर कीपिंग योर आर्टिफैक्ट्स. देर यू हैव अ यू नो प्रोविजन फॉर गेटिंग योर वार्डरोब सेक्शन इंस्टॉल्ड विच लुक्स प्रीटी ग्रेट. यहाँ पर आप अपने आर्टिफैक्ट्स या फिर अपने बुक्स रख सकते हैं आराम से. देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर स्टोरेज एंड द होल फ्लोरिंग इज वुडन. सो दैट्स दैट. मूव ऑन टू योर वेरी स्पेशियस किचन और आई शुड रादर से अ पैरेलल काउंटर्स किचन. और यहाँ पर मैं इस वक्त बीच में खड़ी हूँ और मेरे हाथों से काफ़ी दूर आ रहे हैं ये दोनों काउंटर्स. काफ़ी प्यारे लग रहे हैं मुझे. द डिज़ाइन इज़ प्रीटी वाइट एंड एकदम सूदिंग सा एक फील है इस किचन के अंदर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस आउटसाइड ऑल्सो. ये स्पेस आपको यूटिलिटी के लिए दिया गया है जहाँ पर आप अपने वॉशिंग मशीन की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. ऑल द वाटर कैबिनेट्स कैन बी इंस्टॉल्ड देयर. हियर देयर स्पेस फॉर ऑल द सिंक section. This could be your prep zone, storage area. Above also there's a lot of storage area. Oven OTG ka concept aap yahan par dekh sakte hain. Aur refrigeration ke liye you can use the corner section. And still there's a lot of space for keeping a lot of things in your kitchen. You will never run out of food here. And this is the second bedroom, or I should rather say you could, if you live with your family, then you could give this to your parents, or you could make this a kids room. The vibe of this room is pretty much like you could make this a kids room for sure. There's a lot of space for kids to move around. So this entire space is connected to your run-through balcony जो कि आपके पूरे घर में है. एंड अभी भी एक किंग साइज बेड इंस्टॉल करने के बाद भी बहुत जगह है इस रूम के अंदर स्टडी टेबल और ये पूरा स्टोरेज कन्वर्ट करने के लिए. सो आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड. एंड दीज आर अदर आर्टिफैक्ट सेक्शंस दैट यू कुड यू नो यूज दिस एरिया फॉर. एंड दिस इज द वार्डरोब. आपके सेकेंड बेडरूम के जस्ट सामने आपका कॉमन वॉशरूम पड़ जाता है विच कैन बी यूज फॉर यू नो बाई द गेस्ट ऑफ दैट बी कमिंग टू योर प्लेस इज वेल. दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम विच इज़ प्रीटी यू नो मैसिव. इट इज़ ह्यूज. एंड उसके बाद हम एंटर करेंगे आपके मास्टर बेडरूम में विच हैज़ ऑल द फील्स. द मोस्ट सूदिंग मास्टर बेडरूम एवर. यहाँ पर आप एक बड़ा सा टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं. नीचे एक स्टोरेज के लिए भी अलग से स्पेस है. एंड इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग अ किंग साइज बेड एज यू कैन सी साइड टेबल्स के लिए ड्रेसिंग टेबल के लिए काफ़ी स्पेस है इस पूरे रूम के अंदर. एंड डोंट यू वरी क्योंकि अगर आप क्लॉजेट स्पेस ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ है. लेट मी शो यू योर वॉक इन क्लॉजेट जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस है. बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके कपड़े आपके स्टोरेज के लिए इवन द शूज़ सेक्शन कैन बी अलॉटेड हेयर बिलो दिस. एंड आपकी सीटिंग के लिए भी जस्ट इन केस यू आर वेरी कन्फ्यूज अबाउट वॉट टू वेयर विच इज़ यू नो आई वुड रिलेट टू यू ऑन दैट. आई डेफिनेटली थिंक दैट एवरी डे. सो ऑल द गर्ल्स कैन रिलेट टू दिस बेबी हेयर. वी ऑल नीड दिस इन आर वार्डरोब टू सिट एंड यू नो वंडर कि आज क्या पहनना है हमें. सो यू हैव ऑल द टाइम एंड ऑल द स्पेस इन द वर्ल्ड टू एडजस्ट योर वार्डरोब हियर इन दिस क्लॉजेट. एंड उससे जस्ट सामने आपका वॉशरूम सेक्शन है डिवाइडेड विद अ ग्लास पार्टीशन एंड द वैनिटी हियर इज सेटअप कम्प्लीटली. ऑल दीज ग्लास फिटिंग्स आर अलॉटेड. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द वेरी एयरी द वेरी स्पेशियस एंड वेरी ब्यूटिफुल बालकनी ऑफ दिस हाउस. दिस इज द रनिंग बालकनी दैट रन्स थ्रू योर इंटायर स्पेस. और ये आपकी बालकनी में सिटिंग एरिया अलॉट करने के लिए एक कॉर्नर हो सकता है. दिस कुड बी अ कोजी गो टू कॉर्नर टू रीड अ बुक इन द आफ्टरनून और सिंग अ सॉन्ग ऑन द यूकुलेले. डू एनीथिंग यू लाइक. फेज वन और टू इस साल के एंड तक डिलीवर हो जाएगा. रेरा की जो डेट है वो है 2026 की. बट ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो रहा है. दिस इज़ द फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन इन दिस प्रोजेक्ट दैट वी आर सीइंग इन द होल ऑफ दिल्ली एनसीआर. और मैं आगे की भी बात करूँ तो फिर
फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट के अंदर हो रही है। गोदरेज का नाम जहाँ पर आ जाता है, इट्स 100+ ईयर्स ओल्ड कंपनी, सो वहाँ पर आप ऑलरेडी एक ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का फैक्टर जो है वो अपनी तरफ कंसिडर कर सकते हैं कि इट विल बी प्रीटी गुड। फास्ट कंस्ट्रक्शन की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर फास्ट सेलिंग भी एक पॉइंट है जहाँ जिसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप कह सकते हैं लोगों के लिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को, जो भी देखने आ रहा है सबको ये बहुत ही पसंद आ रहा है। द डिज़ाइन, द लोकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड द थीम दैट इट इज़ बेस्ड ऑन, एक्चुअली एक सिंगापुर बेस्ड डिज़ाइनर फर्म है वॉर्नर वॉन्ग, जिनके साथ ये टाइप हुआ है और कई सारे ऐसे इंटरनेशनल टाइप्स हैं जिनके साथ ये प्रोजेक्ट को प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है। सो एवरीबडी इज़ लविंग द प्रोजेक्ट, द कनेक्टिविटी, पूरा आगे का जो गोल्फ कोर्स का नोएडा का व्यू है आपको आपके कुछ टावर्स से मिल जाता है जो कि अभी बनने वाले हैं 9 और 10, जिनकी पोजेशन आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली 2025 तक में आपको उन दोनों टावर्स की पोजेशन भी मिल जाएगी और इस साल के एंड तक आपके पास 8 टावर्स की पोजेशन होगी। सो दिस इज़ द गोल सो फार। सिंस ये फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट भी है तो अब यहाँ पर इन्वेंट्रीज की भी काफ़ी कमी हो चुकी है। इस वक्त यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 BHK के यूनिट्स ही बचे हुए हैं जिनकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 4 crores एंड अबव ही जा चुकी है। कॉस्ट अप्रिशिएशन यहाँ इस सेक्टर में बिल्कुल जायज़ है, होना ही है। सेक्टर 43 है ये नोएडा का और बहुत ही अच्छे से वेल कनेक्टेड है। आपने कनेक्टिविटी इस वीडियो में पहले देखी ही है कि यहाँ पर आसपास सब कुछ आपको मिलेगा, मेट्रो स्टेशन से लेकर के फ्लाईओवर से लेकर के एक्सप्रेसवे, हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन है। एक लग्जरी प्रॉपर्टी की जितनी भी ऑफरिंग्स हो सकती हैं वो सब कुछ इस प्रॉपर्टी में आ चुकी हैं। क्लब हाउस बहुत ही लाविशली स्प्रेड है अक्रॉस 45,000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। आपको प्रोजेक्ट के अंदर 3 स्विमिंग पूल्स मिल रहे हैं जिसमें से 2 तो इन्फिनिटी एज पूल्स होने वाले हैं, सो दैट आई थिंक इज़ प्रीटी मैसिव। उसके अलावा और भी लग्जरी ऑफरिंग्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 किलोमीटर्स का जॉगिंग रिंक भी होगा आपकी सोसाइटी के अंदर। पोडियम बेस्ड पूरा स्ट्रक्चर है और आपका जो पोडियम वाला एरिया है वो बहुत ही अच्छे से वेल डिज़ाइंड है। उसी के अंदर आपके सोसाइटी का एक प्राइवेट फॉरेस्ट एरिया कन्वर्ट होने वाला है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर गोदरेज वुड्स ने इंट्रोड्यूस की हैं, वो भी सेंट्रली बिल्कुल नोएडा के अंदर। सो शहर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहे आप बिल्कुल शहर के अंदर हैं और शहर के अंदर भी अपने एक प्राइवेट जंगल में आपको रहने का मौका मिल रहा है। सो दिस ओवरऑल सम्स अप दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ प्रीटी गुड टू हैव अ लुक एट। कैसा लगा आपको हमारा ये ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ गोदरेज वुड्स लोकेटेड एट सेक्टर 43 नोएडा? आप हमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। Meanwhile, please keep liking, sharing, commenting and subscribing to The Nest Story because there's always, always more to see. This is your host Diksha Singh signing off.